तेलुगु न्यूज। बलिया में वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वायरल बुखार में तेज बुखार के साथ ही शरीर दर्द और सर्दी खांसी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लेकर प्राइवेट चिकित्सालयों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बलिया जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर BP सिंह का कहना है कि मौसम में बदलाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज आ चुके हैं। कुछ मरीजों का प्लेटलेट्स भी कम हो रहा है। ऐसे में चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ही दवा लेने की सलाह दी। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। सर आपका एक इंट्रोडक्शन। सर मैं डॉक्टर बीपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बलिया। अच्छा सर, इस समय देखा जा रहा है कि बलिया में बड़ी संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, तो उसके क्या लक्षण हैं, किस तरीके की परेशानियां लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं और कितने मरीज लगभग यहां पर जिला चिकित्सालय में आ रहे हैं? इस समय मौसम परिवर्तन शीघ्र हो रहा है, जैसे कभी बरसात का मौसम हो जा रहा है, फिर कभी गर्मी होने लग रही है। तो जब मौसम परिवर्तन होता है तो वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं। इस समय अस्पताल में करीब 1200 से 1500 की OPD चल रही है, इसमें करीब 10% 100 से 125 पेशेंट करीब फीवर के आ रहे हैं और जांच होने पर जो है उनकी मुख्य समस्या रहती है कि बुखार रहेगा, कमजोरी बहुत अधिक रहती है। तो इसके लिए जो है जांच के, हाँ सर्दी जुकाम भी रह रहा है और इसमें मुख्य चीज़ है कि कमजोरी बहुत अधिक रहती है। तो इसके लिए जो है रोगियों को हम लोग सलाह देते हैं कि किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से ही अपना इलाज कराएं, अपने मन से इलाज मत कराएं झोला छाप डॉक्टरों से, अन्यथा जो है स्थिति खराब होने की अवस्था रहती है। इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जा रहा है, तो इसके लिए प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। तो जो लोग बाहरी खान पान या खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग राय देंगे कि घर से बाहर की बनी चीज़ों का प्रयोग न करें, इसलिए कि जो है इन्फेक्शन का खतरा रहता है और इसमें बाहर का चीज़ खाने से डायरिया इत्यादि का भी प्रकोप बढ़ जाता है।